Students, today we will see our section 4. In section 4 there are 4 chapters. Today we will see 4.1 history of novel. Students, you know that last year we have drama as a literary genre. This year we have novel. And this section 4, you know that it is memory based section. It is memory based, means you haven't been provided a para in your question paper. Okay, तो ये section जो है एक memory based section है जिसमें आपको exam में कोई para वगैरह दिया हुआ नहीं रहेगा. आपको memory based ही question इसके ऊपर आएंगे. वो आपको खुद मतलब यहाँ से आप book पढ़ के उन्हें ध्यान में रख के add करके उन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे या फिर छोटा सा कोई डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे हम नॉवेल देख रहे हैं तो फिर नॉवेल की क्या डेफिनेशन है, नॉवेल के कुछ टाइप्स है, एक आधा टाइप्स, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपको. ओके, लेट अस सी दिस चैप्टर हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. The 18th century has gifted English literature to entirely new forms which are without any traces in the ancient classical heritage. Classical means Greek or Roman literature, और यहाँ पर heritage means जिसे हम कहते हैं विरासत, मराठी में वारसा, heritage. The 18th century has gifted English literature to entirely new forms. 18th century ने English literature को दो एकदम नए forms दिए हुए हैं, दो नए प्रकार साहित्य के 18th century ने English literature को दिए हुए हैं, gift किए हुए हैं, which are without any traces in the ancient classical heritage. तो जो प्राचीन क्लासिकल लिटरेचर था जिसमें ग्रीक और रोमन लिटरेचर का समावेश था, उनकी विरासत से इस दो नए फॉर्म को कुछ भी नहीं मिला है. कोई मतलब उसका ट्रेस नहीं मिलता हमें, कोई निशानी नहीं मिलती कि इसको कुछ प्राचीन लिटरेचर से मिला है, प्राप्त हुआ है. ऐसे दो नए फॉर्म हैं जो 18th सेंचुरी ने इंग्लिश लिटरेचर को दिए हुए हैं. वन ऑफ दोज वॉज द पीरियडिकल एसे, उनमें से एक है पीरियडिकल एसे, एंड द अदर वॉज नॉवेल, और दूसरा है नॉवेल जो हम इसमें देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में. बोथ ऑफ दिस फॉर्म्स स्पेशली नॉवेल कॉट द स्पिरिट ऑफ द 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल एंड रियलिस्टिक प्लेन एंड ट्राइड टू इंस्ट्रक्ट द रीडर्स विच वुड हेल्प देम टू अ मोर पर्पजफुल एंड वर्चुअस लाइफ. तो ये दोनों भी पीरियडिकल ऐसे हैं, उसमें नॉवेल है, फिर बोला है कि बोथ ऑफ दिस फॉर्म्स स्पेशली नॉवेल, ये जो दोनों दो भी फॉर्म्स हैं पीरियडिकल ऐसे और नॉवेल, उसमें से स्पेशली जो नॉवेल है, इट कॉट द स्पिरिट ऑफ द 18th सेंचुरी का जो आत्मा है उसको इस नॉवेल ने जकड़ लिया था. मतलब 18th सेंचुरी में नॉवेल का ज़्यादा प्रभाव था. क्यों? एज द एज ऑफ इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल एंड रियलिस्टिक प्लेन, कि ये जो एज था कैसा था, इट वॉज एज ऑफ इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, सेंटिमेंटल, भावनिक एंड रियलिस्टिक प्लेन, वास्तववादी, ये सारी जो हम कह सकते हैं प्लेन, एक लेवल ऑफ थॉट. तो इस प्रकार के सारे जो लोगों की एक विचार करने की क्षमता थी, लेवल थी, वो इस तरह से थी. इंटेलेक्चुअलिटी भी वहाँ पे थी, सेंटिमेंटलिटी भी थी, रियलिस्टिक भी वहाँ पे, ये चीज़ें सारी देखने को मिलती थी. एंड ट्राइड टू इंस्ट्रक्ट द रीडर्स विच वुड हेल्प देम टू अ मोर पर्पजफुल एंड वर्चुअस लाइफ. और ये जो नावल था लोगों को इंस्ट्रक्ट करने का काम करता था, कुछ सूचित करने का काम या फिर कुछ प्रशिक्षण देने का काम करता था, सूचना देने का काम करता था, कि उसके माध्यम से जो लोग हैं एक पर्पजफुल, एक उद्देश्यपूर्ण और एक सद्गुणी वर्चुअस लाइफ, अपना जीवन वो जी सके, इसके लिए इंस्ट्रक्ट करने का काम ये नावल करता था. Since the time of its origin, novel has been gaining popularity and growing gradually. So, since the time of its origin, जब से इस novel का origin हुआ था,
उद्भव हुआ था, या फिर जिसे हम उगम कहते हैं, उद्भव कहते हैं। तो जब से इसका ओरिजिन हुआ था, नॉवेल हैज़ बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी एंड ग्रोइंग ग्रेजुअली। नॉवेल जो है पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, उसको जो पॉपुलैरिटी है वो मिलती जा रही थी, एंड ग्रोइंग ग्रेजुअली, और धीरे धीरे उसका जो विकास है यहाँ पे, उसकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही थी। टुडे इट इज़ रिकग्नाइज एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जैनर। आज नॉवेल एक बहुत डोमिनेंट, प्रभावी ऐसा साहित्यिक प्रकार समझा जाता है, साहित्यिक प्रकार के रूप में उसे जाना जाता है। नॉवेल इज अ रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इंटीमेट इनर मोस्ट जो मन के अंदर होती है, आंतरिक इनर मोस्ट, इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म। तो यहाँ पे एक नॉवेल क्या होता है, एक डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अ नॉवेल इज अ रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन, क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन, एक लॉन्ग जो लंबा होता है नैरेटिव, जिसके जो लिखने का फॉर्म है वो नैरेशन स्टाइल में होता है, नैरेट किया होता है, इट्स वाज़ अ फिक्शन, फिक्शन एक फिक्शन होता है जिसको एक काल्पनिक, काल्पनिकता का टच रहता है। विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो इनर मोस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, मानवीय अनुभव है जो अंदर के होते, मन के अंदर होते, तो इनर मोस्ट मानवीय अनुभव का डिस्क्रिप्शन, एक प्रकार का वर्णन करने का काम नॉवेल करता है। नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म, और वो जो नॉवेल होता है नॉर्मली प्रोज फॉर्म में होता है, प्रोज में ही लिखा हुआ होता है। द प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नॉवेला मीनिंग न्यू। तो ये जो प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड है वो यहाँ पे जो इटालियन वर्ड है नॉवेला, जिसका मीनिंग है न्यू, मतलब नया, तो ये जो इटालियन वर्ड है नॉवेला, इस वर्ड से यहाँ पे लिया हुआ है, ये इंग्लिश में जो हो गया नॉवेल, वहाँ से डिराइव किया हुआ है, नॉवेला से बन गया नॉवेल, और इसका मतलब क्या होता है, न्यू मतलब नया, ठीक। और नॉवेल नैरेट्स अ स्टोरी एम्बेलिशिंग, एम्बेलिशिंग मीन्स टू एड ऑन, सजाना, एम्बेलिशिंग इट विथ मोर डिटेल्स ऑफ टाइम प्लेस नेचर पीपल एंड देयर माइंड्स। तो नॉवेल क्या करता है, इट्स नैरेट्स अ स्टोरी एम्बेलिशिंग इट, वो स्टोरी नैरेट करता है, जो भी स्टोरी होंगी नॉवेल, जिस स्टोरी के ऊपर डिपेंड होगा, वो स्टोरी को नैरेट करता है, एम्बेलिश करता है, उसको सजाता है, कौन से घटकों से सजाता है, एम्बेलिशिंग इट विथ मोर डिटेल्स ऑफ टाइम, उसमें हमें समय की विस्तृत जानकारी मिलती है, प्लेस, प्लेस के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, नेचर, नेचर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, पीपल, लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, एंड देयर माइंड्स, उस लोगों का जो मन है, उनके माइंड की जो भी प्रवृत्तियाँ है, टेंडेंसी है, वो सब हमें नॉवेल में उसकी विस्तृत जानकारी मिलती है। देयर गेस्चर्स एंड एक्टिविटीज, लोगों के गेस्चर्स, उनके हाव भाव, फेशियल गेस्चर्स, उनके एक्सप्रेशंस के बारे में, एंड एक्टिविटीज, वो जो भी कृतियाँ करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, इनकी सारी डिटेल्स, जो एक इंफॉर्मेशन है, हमें जानकारी नॉवेल में मिलती है। इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, कि उस समय की जो सोसाइटी थी, उस समय का जो भी समाज था, उसका एक पिक्चर, एक चित्र हमारे आंखों के सामने नॉवेल खड़ा कर देता है। नॉवेल मेक्स लाइफ इजियर टू अंडरस्टैंड देन इन ड्रामा एंड पोएट्री, कि जो नॉवेल है वो ड्रामा और पोएट्री से भी ज़्यादा बेहतर जो लाइफ है वो समझने के लिए, हमको समझने के लिए इजियर बना देता है, आसान बना देता है, ड्रामा और पोइट्री से ज़्यादा आसानी से हम यहाँ पे लाइफ को नॉवेल में समझ सकते हैं। इन मॉडर्न एरा नॉवेल हैज़ एडॉप्टेड लिटरेरी प्रोज, मॉडर्न एरा में नॉवेल ने एक लिटरेरी प्रोज का स्वरूप एडॉप्ट किया हुआ है, उसका स्वीकार उसने किया है, साहित्यिक प्रोज का, कि प्रोज फॉर्म में ही लिखा हुआ होता है। द नॉवेल एज अ लिटरेरी जैनर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट 2000 ईयर्स, कि एक लिटरेरी साहित्यिक शैली के रूप में जो नॉवेल है, इस
इसने ये जो लिटरेरी जानर का स्वरूप यहाँ पे उसको प्राप्त हुआ है, साहित्यिक प्रकार का स्वरूप यहाँ पे प्राप्त हुआ है, उसको 2000 ईयर्स 2000 साल उसको लगे हुए। अमंग द अर्ली प्रेकर्सर्स ऑफ नॉवेल, प्रेकर्सर्स हुए प्रेडिसेसर्स, पूर्वज, अर्ली प्रेकर्सर्स ऑफ नॉवेल, द कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज ग्रीक रोमांसेस डेटिंग फ्रॉम द 2nd to 6th century मे टॉप द लिस्ट। अमंग द अर्ली प्रेकर्सर्स ऑफ नॉवेल कि इस नॉवेल के जो एकदम पहले या फिर जो पूर्वज है, ठीक है, तो वो कौन है? अ कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज ग्रीक रोमांसेस, तर एक कथाओं का, टेल्स का, कथाओं का एक कलेक्शन है जिसको ग्रीक रोमांसेस कह के लिटरेचर में जाना जाता है। डेटिंग फ्रॉम द 2nd to 6th century में टॉप द लिस्ट, जो 2nd century से लेकर द 6th century के बीच में जो ग्रीक रोमांसेस थे वो इसके प्रेडिसेसर्स के या प्रेकर्सर्स के लिस्ट में टॉप पे है। कि अगर नॉवेल के कोई प्रेडिसेसर्स है, कोई पूर्वज है, तो वो हमें ग्रीक रोमांसेस में देखने को मिलते हैं, जो 2nd और 6th century में हमें देखने को मिलते थे। दिस इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आइडियल लव एंड मार्वेलस एडवेंचर्स प्रोफाउंडली अफेक्टेड द क्रिएटिव राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। ओके, दिस इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल स्टोरीज ऑफ आइडियल लव, तो ये जो ग्रीक रोमांसेस थे वो किस प्रकार के थे? इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल स्टोरीज, एक काल्पनिक प्रकार की और जिसमें से हमें डिलाइट मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसी वो स्टोरीज थी। ऑफ आइडियल लव, आदर्श प्रेम कथा है, एंड मार्वेलस एडवेंचर्स, मार्वेलस मीन्स वंडरफुल, आश्चर्यजनक साहसपूर्ण कथाएँ वो थी। प्रोफाउंडली अफेक्टेड द क्रिएटिव राइटिंग फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स, इन्होंने आने वाले हजारों साल तक जो राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, उसको अफेक्ट करके रखा था, उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ के रखा था। दो नॉवेल इन द मॉडर्न एरा यूजली मेक्स यूज ऑफ अ लिटरेरी प्रोज, द अर्लियर थ्रेड्स ऑफ द जैनर कैन बी फाउंड इन वर्जिल्स इक्लॉग्स। तो वर्जिल वॉज अ लैटिन पोएट, एक लैटिन कवि थे। इक्लॉग्स, उनकी जो भी इक्लॉग्स थे, दे आर रिटन इन पोएटिकल फॉर्म, वो पोएटिकल फॉर्म में लिखे थे, वो पोएम जो है, पोएम की लैंग्वेज होती है, उसमें लिखे हुए थे। और मालोरीज मार्टिडी ऑथर और जॉफ्री चोसर्स द कैंटरबरी टेल्स, वर्जिल्स का जो इक्लॉग्स है वो मालोरीज का मार्टिडी ऑथर और जॉफ्री चोसर का द कैंटरबरी टेल्स, इस सारे जो भी लिटरेरी फॉर्म्स है या फिर जो कुछ भी वर्क है उनका, ये पोइटिकल फॉर्म में था। तो यहाँ पे क्या कहा है, तो नॉवेल इन द मॉडर्न एरा यूजुअली मेक्स यूज ऑफ अ लिटरेरी प्रोज, कि मॉडर्न एरा में नॉवेल लिटरेरी प्रोज का यूज करता है राइटिंग करने के लिए, उसमें प्रोज का यूज किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, अर्लियर थ्रेड्स ऑफ द जैनर कैन बी फाउंड इन, जो अर्लियर थ्रेड्स है उसके जो पहले के धागे हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें वर्जिल्स के इक्लॉग्स में, मालोरी के मार्टिडी ऑथर में और चौसर्स के कैंटरबरी टेल्स में, जो पोएटिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसमें हमें नॉवेल के प्राचीनतम धागे दिखाई देते हैं। मतलब जो एक प्रकार है नॉवेल का, वो इन कवितात्मक जो भी लिखान थे उनमें हमें देखने को मिलता है। मुरासकी सिकिबुज़ टेल ऑफ गेंजी हैज बीन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। तो यहाँ पे मुरासकी सिकिबुज का जो टेल ऑफ गेंजी नाम का जो वर्क है, जो 1010 में लिखा गया था, इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड फर्स्ट नॉवेल, दुनिया का पहला नॉवेल कह के उसका वर्णन किया हुआ है। द यूरोपियन नॉवेल इज ऑफन सेट टू बिगिन विद डॉन क्विक्सोट बाय स्पेनिश राइटर माइगल डी सर्वेंटेस, विच वॉज पब्लिश इन टू पार्ट्स बिटवीन 1605 एंड 1615। तो जो यूरोपियन नॉवेल है वो ये कहा जाता है कि वो जो सर्वेंटेस का डॉन क्विक्सोट था उसके साथ ही उसकी शुरुआत हुई थी, जो दो पार्ट्स में लिखा हुआ था, 16 से 5 तो 16 से 15 के बीच में दो पार्ट में लिखा गया था। तो वो ही यहाँ पे डॉन क्विक्सोट यूरोपियन नॉवेल का एक बिगिनिंग माना जाता है, एक शुरुआत मानी जाती है। इन द 18th century द अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स
attracted a large number of readers from the middle class. तो 18 सेंचुरी में क्या हुआ, वहाँ पे जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ रहे थे, उन्होंने तब के जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास रीडर्स थे, उनको बहुत ताकत पे अट्रैक्ट किया था. दिस न्यू रीडर्स हैड लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजिडीज. ये जो नए रीडर्स थे, कौन, मिडिल क्लास में के जो लोग थे, जो मिडिल क्लास में के रीडर्स थे, दे हैड लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजिडीज. उनको रोमांसेस में और ट्रेजिडीज में बहुत कम इंटरेस्ट था, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं था. ट्रेजिडीज जो ड्रामा होते हैं, ठीक, तो उनमें उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. विच वेयर एप्रिसिएटेड बाय द अपर क्लास. और ये जो रोमांसेस है और ट्रेजिडीज है, इन्हें अपर क्लास में के लोग एप्रिसिएट करते थे, पसंद करते थे, लेकिन मिडिल क्लास लोग इसे पसंद नहीं करते थे. दस नीड फॉर अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर अरोज दैट वुड एक्सप्रेस द न्यू आइडियाज ऑफ द 18th सेंचुरी. इसीलिए वहाँ पे एक साहित्य के जो नया प्रकार है उसकी गरज, जरूरत महसूस हुई. दैट वुड एक्सप्रेस द न्यू आइडियाज ऑफ द 18th सेंचुरी, कि जो 18वीं शताब्दी है उसके जो भी नई आइडियाज है उसको एक्सप्रेस कर सके, उसको एक्सप्रेस करेगा, ऐसे कुछ तो भी नए फॉर्म की, नए टाइप की लिटरेचर के वहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई. द 18th सेंचुरी न्यू लिटरेचर वॉज द 18th सेंचुरी न्यू लिटरेचर वॉज कैरेक्टराइज बाय द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनाइल ऑफ रोमांटिक फीचर्स लाइक एंथुजियाज्म, पैशन एंड इमेजिनेशन. तो 18th सेंचुरी न्यू लिटरेचर वॉज कैरेक्टराइज. तो 18th सेंचुरी का जो नया लिटरेचर था, जो भी साहित्यिक लिखान था, इट वॉज कैरेक्टराइज, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या मतलब खासियत थी, वैशिष्ट्य जिसको हम कहते हैं, तो उसकी क्या खासियत थी, बाय द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म. उसमें हमें एक रियलिज्म देखने को मिलता था, एक वास्तविकता हमें देखने को मिलती थी. एंड डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स लाइक एंथुजियाज्म, पैशन एंड इमेजिनेशन. तो जो रोमांटिक फीचर्स है, जो रोमांटिक खासियत है जिसे वैशिष्ट कहते हैं, फीचर्स है, जैसे एंथुजियाज्म उसमें दिखता था हमें रोमांटिक राइटिंग में, पैशन दिखती थी, इमेजिनेशन काल्पनिकता दिखती थी, इन सारे फीचर्स को वो डिनाई करता है, वो नकारता है. द फोरग्राउंड, फोरग्राउंड अग्रभूमि या फिर पार्श्वभूमि, द फोरग्राउंड फॉर द नॉवेल वॉज प्रिपेयर बाय ऑल दिस फैक्टर्स. कि ये हमने यहाँ पे जो देखे, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे घटक ही नॉवेल के लिए एक अग्रभूमि बने. उन्होंने नॉवेल के लिए एक फोरग्राउंड यहाँ पे तैयार किया, प्रिपेयर किया. आफ्टर 1740 नॉवेल ओरिजिनेटेड एज द लिटरेरी फॉर्म इन इंग्लैंड. कि 1740 के बाद इंग्लैंड में एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में नॉवेल का जो है उगम हो गया, उद्भव हो गया. ओरिजिनेटेड, उगम या उद्भव. तो 1740 के बाद इंग्लैंड में नॉवेल का एक लिटरेरी फॉर्म के रूप में, साहित्यिक प्रकार के रूप में उगम हो गया. इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड गिवन राइज टू द मिडल क्लास. उस समय में जो ट्रेड और कॉमर्स में इंक्रीज हुआ था, जो व्यापार है, व्यापार उद्योग है, उसमें जो भी विकास हुआ था, जो भी वृद्धि हुई थी, और उसी समय जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है हिस्ट्री में, इन सारे चीज़ों के वजह से क्या हुआ, हैड गिवन राइज टू मिडिल क्लास. जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है सोसाइटी में, उसका उगम हुआ. मिडिल क्लास एक ग्रुप जो लोगों का वहाँ पे जो है उसका राइज हो गया, उसका उगम हो गया. अ क्लास ऑफ पीपल हैड इमर्ज टू ऑक्युपाई एन इलाइट स्टेटस. उसी के वजह से, इस सिचुएशन के कारण ही वहाँ पे दूसरा भी एक ग्रुप जो है लोगों का, जो इलाइट स्टेटस, जिसमें रिच लोग थे, इलाइट उत्तम, रिच प्रकार के, अपर क्लास जिसे हम कह सकते हैं, उनका भी वहाँ पे उगम हो गया. द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स अपील, अपील मीन्स टू अट्रैक्ट, अपील टू द न्यूली एजुकेटेड क्लास
and was regarded by them as respectable reading material. So the realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels. कि नॉवेल में जो ये बातें दर्शाई जाती थी, कौन सी बात है, जो एवरीडे लाइफ है लोगों का, जो दैनंदिन जीवन है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं कॉमन पीपल के, सामान्य लोगों के, ये सारी बातें जो नॉवेल में दर्शाई जाती थी, इट अपील टू द न्यूली एजुकेटेड क्लास. उसने जो नया सुशिक्षित वर्ग था लोगों का, उसको भी अपील किया, उसको भी अट्रैक्ट किया. एंड वॉज रिगार्डेड बाय देम एज रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल. और वो लोग उसे एक रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल समझने लगे, एक प्रकार का अच्छा आदरणीय जिसको पढ़ा जा सकता है, ऐसा मटेरियल वो इस नॉवेल को समझने लगे. तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.